ज्यादा आया कम आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। हेलो गाइज एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट, मैं हूँ सुनील कुमावत और अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की। 12 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, तो वो 12 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं जो हम उनको सॉल्व नहीं कर पाए थे उसी वीडियो में, तो अब हम वन बाई वन करके वो सारे क्वेश्चंस जो हमें करना है हम उनको वन बाई वन जो है सॉल्व करेंगे और हम उन्हें समझेंगे। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो देखें आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप क्रिस फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तब एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से रख लो, जैसे आप क्लास 11th में केसबुक बनाते थे तो केसबुक बनाते थे ना, केसबुक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे आपका फाइनल अकाउंट्स में सेम टू सेम उसी टाइप से हमें चलना है। तो ये समझ लीजिए कि हमें कैशबुक दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं नीचे, और हमें जो है क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप से अकाउंट बनाना है क्योंकि इसका नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ठीक, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है और आपको यह दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप देखेंगे रिसिप्ट साइट में आपको बैलेंस दिया हुआ है, पहले तो इसका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इंटरेस्ट फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट टू मिसलेनियस रिसिप्ट। और पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है बाय डॉक्टर्स ऑनरेरियम, फिर मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर, न्यूज़पेपर, रेंट टैक्सेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और लास्ट में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो ये तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और लास्ट में आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि इसके उनके ओपनिंग बैलेंस है टूर्नामेंट फंड का 15,000, मेडिकल इक्विपमेंट 1,50,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है मेडिकल इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन 25,000 और लास्ट में दिया हुआ है कि 600 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन आर ₹100। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पूरे ढंग से देख लिया, बड़ा आराम से आपने क्वेश्चन देख लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है फॉर्मेट बना लिया अपने, वैसे तो कॉपी में आज बात लाइनें बनी हुई आएगी तो लाइनें बनानी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। ठीक, फॉर्मेट बनाया, उसके बाद में हम पहले कोई भी एक साइड देख लेते हैं, मान लेते हैं पहले इनकम वाली साइड देख लेते हैं। तो इनकम वाली साइड में यानी कि रिसिप्ट वाली जो साइड हम देखते हैं, तो रिसिप्ट वाली साइड में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखें आप, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इसमें 68,500 दिया है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त एक बात का आप ध्यान रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज लेते हैं जो इस साल की बनती है, जो इस साल की बनती है, पैसे आए हो नहीं आए हो उससे कोई मतलब नहीं, बनता कितना है। तो आप देखें इसमें क्वेश्चन में लास्ट में आपको एक लाइन दी हुई है कि देर वर 600 मेंबर ईच पेइंग 100 रुपीज, सब्सक्रिप्शन के लिए 100 रुपीज दे रहे हैं, 600 लोग हैं, तो कितना हो गया 60,000 रुपीज जो हमारे पास आना चाहिए सब्सक्रिप्शन का। अब ज्यादा आया कम आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 60,000। ठीक, नेक्स्ट चीज देखें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस हम लिख देंगे कितना 25,000, जैसा दिया हुआ ऐसा सा लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखा है, कोई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो लॉन्ग टर्म बात है, जो चीज लॉन्ग टर्म होगी वो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, वो बैलेंस शीट वगैरह में जाएगी लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगी, ये बिल्कुल एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है।
ठीक, तो बड़ी चीज़ें कैपिटलाइज लॉस वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं आएगी। फिर दिया हुआ आपको डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड का जो डोनेशन मिला है तो टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंसेस से एडजस्ट करेंगे। फिर दिया हुआ है सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट जो है ये जब सेल किया तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन यदि इस पर कोई लॉस वगैरह हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो वो हम जरूर मेंशन करेंगे। तो देखें आपकी सेल आप ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट दिया हुआ है आपको 5,000 रुपये और उसकी बुक वैल्यू दी हुई है 15,000, यानी कि 15,000 रुपये के मेडिकल इक्विपमेंट को आपने 5,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि 10,000 रुपये का घटक आया। ठीक, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आप मत लिखना ऐसे, 10,000 रुपये आपने लिख दिए। ठीक, 15,000 रुपये की वो मशीनरी थी, 15,000 रुपये के सॉरी इक्विपमेंट थे, 5,000 रुपये हमने सेल किए, यानी कि लॉस कितना हुआ, 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू मिसलेनियस रिसिप्ट। अब मिसलेनियस रिसिप्ट इसमें तो कोई एडजस्टमेंट हो नहीं सकता या है ही नहीं मतलब, तो मिसलेनियस हम रिसिप्ट लिख देंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना, 15,000 दिया हुआ है हमें, तो ऐसा सामने 15,000 लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया रिसिप्ट साइड वाली कंप्लीट हो गई, यानी कि इनकम वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब आगे यदि हम देखते हैं तो एक्सपेंसेस साइड वाले देखें, तो एक्सपेंसेस वाली साइड में हम देखेंगे तो एक चीज तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हो तो हमने लिख ही दिया। अब इसमें दे रखा है बाय डॉक्टर्स ऑनरेरियम, अब डॉक्टर्स ऑनरेरियम डॉक्टर्स को ऑनरेरियम हमने दिया है तो वो हमारे लिए खर्चा है, तो हम ऑनरेरियम लिख देंगे कितना, जितना भी दे रखा है आपको, दे रखा है 25,000, तो 25,000 ऐसा सा हम लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर है बाय मेडिसिन, तो बाय मेडिसिन जो हमें दे रखा है इसे लिख देंगे, तो टू हम मेडिसिन एक्सपेंसेस या मेडिसिन कंज्यूम करके लिख देंगे, मेडिसिन हमने लिख दिया कितना, 15,500। फिर दिया हुआ है आपको बाय मेडिकल इक्विपमेंट, अब मेडिकल इक्विपमेंट क्या है, एक असेट्स है, और असेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती ना, इसी टाइप से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आएगी, लेकिन इस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। ठीक, तो मेडिकल इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है ये हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है सीधे कितना, 25,000 रुपये, क्लियर कट लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट कितना, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये आप ऐसा सा लिख देंगे बाय टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट कितना रुपये, मेडिकल इक्विपमेंट जो है आपको दे रखा है 25,000 रुपये, 25,000 लिख दिया आपने, क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाय जनरल एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं जी, लिख देते जी टू जनरल एक्सपेंसेस कितना रुपया, ये हमें दे रखा है 8,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें बाय फर्नीचर, अब फर्नीचर क्या है, असेट्स है, असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है क्या, इसी टाइप से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आएगी, कहाँ आएगी ये, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट को मारो बोलिए भी, हम फर्नीचर नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जरूर लग सकता है लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो हम नहीं लगाएंगे। न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पर कितना खर्च हुआ है, 8,000 रुपीज, ठीक है लिख दिया हमने। फिर आप देखेंगे बाय रेंट टैक्स, रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो ये कितना है आपका, 5,000 दिया था, हम ऐसे लिख देंगे बाय रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना रुपया, 5,000। खैर वैसे मैं ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, आप मत करना है, मेरे लिए क्या है, मुझे कौन सा पास होना है। खैर आगे बढ़ते हैं, बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि जो टूर्नामेंट का फंड आपको मिला है वो उसको एडजस्ट आप किससे करेंगे, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस से ही करेंगे। तो आप देखेंगे टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 60,000 रुपये, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं 60,000 रुपये, और टूर्नामेंट फंड जो है आपको इस आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको कि टूर्नामेंट फंड 15,000, मतलब कि आपके पास पहले से 15,000 रुपये थे। ठीक है, इसके अलावा टूर्नामेंट फंड इस साल आया भी कितना, 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये का टूर्नामेंट फंड आपके पास आया भी है, यानी आपके पास टूर्नामेंट के नाम पर 15 और 20 35,000 रुपये आए,
और खर्च कितना हुए, खर्च हुए एक्सपेंसेस हुए आपका 60,000 रुपये। यानी कि अभी आप टूर्नामेंट का जो पर जो आपका अलग से जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ आपका 25,000 रुपये। ठीक, तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट पर 25,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा अलग से खर्च हुआ, ऐसा आप बोल सकते हैं कि भाई इस फंड में 35,000 रुपये थे, 60,000 का खर्चा हो गया, 25,000 रुपये इस टूर्नामेंट करवाने में हमारे अलग खर्चा हो गए। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपया, 25,000। ठीक है बात, ठीक है ओके। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या अपना क्वेश्चन में? इसके अलावा हमें जो है कुछ भी और हमें और कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। बस हम अब क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो टोटल आप लगाएं इस साइड का, यदि आप टोटल लगाएंगे तो इस साइड का टोटल लगा रहे हैं आप, तो ये आ रहा है 1,21,500। कितना आ रहा है, 1,21,500। और इस साइड का यदि आप टोटल लगाएंगे, देखिए लिखते तो दोनों साइड बराबर ही हमको, वह तो मालूम है आपको, तो 1,21,500, लेकिन इस साइड टोटल आ रहा है 60 और 40 हो गया आपका 1,00,000। तो 1,21,500 1,21,500 में से 1,00,000 रुपीज यदि जाएंगे तो बचे कितना, 21,500। ठीक है, यहां मत लिखना, कहीं और लिख लेना इसको, यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना, 21,500। और ये मतलब उस साइड आ रहा है, यानी खर्च ज्यादा है और इनकम कम है, तो क्या बोलना चाहिए इसको हमें, इसको हमें बोलना चाहिए डिफिसिट। डिफिसिट कितना हुआ है, 21,500 का। ठीक, तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आपने बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने मेन जो बात है वो मेन बात ये है कि इसमें आपको बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते हैं वही वाले तरीके अपने अपनाना है। और दूसरी बात ये कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उस इनकम और उस खर्च पर ध्यान देते हैं जो इस साल का बनता है, वो आया है या नहीं आया है इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राइट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर जेकॉन लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आप शेयर इशू वगैरह आप करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन जो हम पार्ट 3 में करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।